हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मैच नंबर 6 जो कि बांग्लादेश और अमान के दरमियान खेला गया, बहुत ही अमेजिंग ये मैच रहा। इस वीडियो में सेकंड इनिंग की अपडेट शेयर करूंगा, होप कि आप एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं जल्दी से वीडियो की जाने। वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत ही अमेजिंग ये मैच रहा बांग्लादेश और ओमान के दरमियान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का छठा मैच, जहां टॉस जीता बांग्लादेश ने और टॉस जीतने के बाद बैटिंग का फैसला किया और ये मैच खेला गया अल अमारात क्रिकेट ग्राउंड ओमान में। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर में 10 विकेटों के नुकसान पर 153 रन बनाए और इस तरह 154 रन का टारगेट दिया ओमान को। तो चलते हैं ओमान की बैटिंग की जानिब की कैसी रही उनकी बैटिंग। आकब इलियास और जितेंद्र सिंह ने बैटिंग का आगाज किया। आकब इलियास जल्दी ही आउट होकर चले गए, 6 रन बनाए, 6 ही गेंदों का सामना किया, एक चौका लगाया। मुजफ्फर रहमान ने LBW आउट कर दिया। उसके बाद कुमार आए जिन्होंने 21 रन बनाए, 18 गेंदों का सामना किया, एक चौका और 2 छक्के लगाए। इसको भी मुजफ्फर रहमान ने आउट किया और नूरुल हसन ने इनका कैच लिया। जितेंद्र सिंह ने यहाँ पे जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा किया, 40 रन बनाए, 33 गेंदों का सामना किया, 4 चौके और 1 छक्का लगाया। शकीब उल हसन का शिकार हुए और लुठन दास ने इनका कैच लिया। उसके बाद कैप्टन आए जीशान मकसूद जो कि 12 रन बना सके, 16 गेंदों का सामना किया, 1 छक्का लगाया। मेहंदी हसन ने इनको आउट किया, मुजफ्फर रहमान ने इनका कैच लिया। उसके बाद अयान खान आया जिन्होंने 9 रन बनाए, 13 गेंदों का सामना किया, शकीब उल हसन का शिकार हुए और मोहम्मदुल्ला ने इनका कैच लिया। संदीप आए जिन्होंने 4 रन बनाए, 8 गेंदों का सामना किया, मोहम्मद सैफुद्दीन ने इनको आउट किया और मुजफ्फर रहमान ने इनका कैच लिया। नसीम खुशी आए जो कि विकेट कीपर हैं, 4 रन बनाए, 6 गेंदों का सामना किया, शकीब उल हसन ने इनको आउट किया और मोहम्मदुल्ला ने इनका कैच लिया। करीमुल्ला आए जिन्होंने 5 रन बनाए, 5 गेंदों का सामना किया, एक चौका लगाया। मुजफ्फर रहमान का शिकार हुए, नूरुल हसन ने इनका कैच लिया। मोहम्मद नदीम नॉट आउट रहे, 14 रन बनाए, 12 गेंदों का सामना किया, एक चौका और 1 छक्का लगाया। फियाज भट्ट कोई रन ना बना सके, 2 गेंदों का सामना किया, मुजफ्फर रहमान का शिकार हुए और मुजफ्फर रहमान ने ही इनका कैच लिया। बिलाल खान आए जो कि नॉट आउट रहे, 1 गेंद का ही सामना किया था उन्होंने। इस तरह 9 विकेटों के नुकसान पर ओमान की टीम 127 रन बना सकी मुकर्रर 20 ओवर में और ये बांग्लादेश मैच जीत गया 26 रन से। बांग्लादेश को इस टूर्नामेंट में पहली कामयाबी मिली क्योंकि पहला मैच वो हार चुके थे, तो अब बांग्लादेश के लिए चांस है कि वो आगे जा सकता है। नेक्स्ट मैच इनके लिए बहुत अहम है। इस इनिंग में एक्स्ट्रा 12 हैं, वाइट के 10, ब्लैक बाई के 2। फॉलो विकेट देख लेते हैं जी। 13 रन पर पहली विकेट गिरी, 47 पर दूसरी, 81 पर तीसरी, 90 पर चौथी, 101 पर पांचवीं, 105 पर छठी, 105 पर ही सातवीं, 112 पर आठवीं, 112 पर ही नौवीं विकेट गिरी। तो ये फॉलो विकेट रहे। तो बैटिंग की जानिब चलते हैं कि बांग्लादेश की बैटिंग कैसी रही, बॉलिंग की जानिब चलते हैं कि बांग्लादेश की बॉलिंग कैसी रही। बांग्लादेश की बॉलिंग आज जबरदस्त रही, उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तस्कीन अहमद ने यहाँ पे 4 ओवर करवाए, 31 रन दिए, कोई विकेट ना ले सके। मुस्तफ़ीफुर रहमान ने यहाँ पर 4 ओवर करवाए, 36 रन दिए, 4 खिलाड़ियों को आउट किया। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा रहमान की जानिब से। मोहम्मद सैफुद्दीन ने यहाँ पर 4 ओवर करवाए, 16 रन दिए, 1 खिलाड़ी को आउट किया। शकीब उल हसन ने 4 ओवर करवाए, 28 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। शकीब उल हसन की भी यहाँ पर शानदार कारकर्दगी। मेहंदी हसन ने 4 ओवर करवाए, 14 रन दिए, 1 खिलाड़ी को आउट किया। होप के अपडेट पसंद की होगी आपने।